दुनिया भर में कोहराम मचा रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO के प्रमुख ने चेताया है। टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम खतरनाक है और खास तौर पर वैक्सीन वाले लोगों में ये कम गंभीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पिछले वेरिएंट की तरह माइल्ड के तौर पर मान लेना चाहिए। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। नए वेरिएंट से संक्रमितों की सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि यह दुनिया भर में स्वास्थ्य सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहली पीढ़ी के टीके सभी संक्रमणों और संचरण को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वे अस्पताल में भर्ती होने और इस वायरस से होने वाली मृत्यु को कम करने में अत्यधिक प्रभावी रहते हैं। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर एम्स के डॉक्टर का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के 3 दिन बाद लक्षण नजर आने लगते हैं। इससे मरीजों को घर पर ही लक्षणों के आधार पर ठीक किया जा सकता है, कुछ को ही अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में लगातार दर्द और भारीपन महसूस हो रहा हो, या सामान्य कमरे में ऑक्सीजन सेचुरेशन का स्तर 94 से कम हो, तो ऐसे मामलों में अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।